एंड रसमी स्टूडेंट्स पी वाई क्यू करने के लिए कभी भी अलग से टाइम नहीं मिलता है आपको इसी डेली रूटीन में ये टाइम अलॉट किया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि आप वीक में एटलीस्ट एक बार उन पी वाई क्यूज के थ्रू हो चुके साइमटेनियसली अपनी प्रिपरेशन कर पाए एंड ये पी वाई क्यूज आपको सिर्फ एक बार नहीं करने है बहुत सारी बार करना है राइट स्टूडेंट्स सो विद द सेम इंटेंशन आई एम हेयर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन दैट इज ऑल डेडिकेटेड टू सी एस आई आर नेट जून टू थाउजेंड नाइनटीन लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर बट उससे पहले लेट मी टेल यू जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू हैं या जिन्होंने पहली बार आज क्लास अटेंड करी है राइट तो स्टूडेंट्स वी हैव क्वाइट सब्जेक्ट्स टू बी केयर इन यू नो नेट सेगमेंट जहां पर वी हैव निशांत कपूर सर जो पार्ट ए के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है मैथमेटिकल साइंस वी हैव सर राइट फॉर केमिकल साइंस वी हैव लिखांशु मैम एंड डॉक्टर सीमा एंड फॉर लाइफ साइंसिस वी हैव फरीदा मैम डॉक्टर ललित पाल एंड And me, of course, Nila Fakari. So, Airtel BC. Well, that's a very odd uh, username, but then a very good evening to you. And I would be highly delighted to know your original name. स्टूडेंट्स लाइकवाइज हमारा 2023 ट्वेंटी थ्री सी टारगेट सीरीज स्टार्ट हो चुका है डू बी अ पार्ट ऑफ इट उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा इट्स फ्री मीन इट इज एनी लेस देन अ क्वालिटी कंटेंट बिकॉज वी बिलीव इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट डिजर्व द बेस्ट राइट सो स्टूडेंट्स हमारे डेली यूट्यूब प्लान चैनल में अगर आप देखेंगे देर आर क्लासेज एवरी फाइव पी एम वनडे वेनजे थर्सडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे सैटरडे संडे सो आई गेस मंडे टू संडे आपका डेली पीएम पे यूट्यूब पे क्लास होती है विद वेरी राइट इंपॉर्टेंटेंट डिस्कशन स्टूडेंट्स जहां पर रिस्पेक्टिव टीचर्स क्लासेस लेते हैं, uh, हैं ललित सर एट पी एम फरीदा जौहर मैम मंडे एंडेट पी एम एंड मी नील्फरम थर्सडेन एम फर्दर प्रोसीडिंग Please do like, subscribe, and share if you really feel that we are doing something near to best for you.

दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स अगर आप इस ट्रेस को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नाइनटी परसेंट ऑफ मिलेगा ऑन दी स्कॉलरशिप अमाउंट राइट दैट मीन एट नो कॉस्ट यू विलस्ट सो प्लीज अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अपार्ट फ्रॉम दैट अ कपल ऑफ मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जैसे कि ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर एट पी एम ललित सर डॉक्टर ललित पाल विल बी एड्रेसिंग द स्टूडेंट थ्रू अ वर्कशॉप ऑन दॉपिक हाउ टू मेक इफेक्टिव स्टडी नोट फॉर कहीं ना कहीं यह एजेंडा कैसे बनाए जाएस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिर्फ आपको आज नहीं बट आने वाले फ्यूचर टाइम में भी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है मीन वाई लेट मी अलाइंग दूडेंट ताकि मैं आपको टाइमली आपके क्वेश्चन और चीजों को एड्रेस कर पाऊं नेक्स्ट मूविंग सो स्टूडेंट्स शाल वी स्टार्ट विथ पार्ट बी क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्ट बी क्वेश्चन से पहले और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट सी क्वेश्चन के साथ राइट right? तो so, जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आई वुड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम राइट बिकॉज दिस इज एन टाइम स्टूडेंट जहां आप साथ के साथ करते जा रहे हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन तो है एटलीस्ट यू कैन मार्क योर अटेंडेंस सेइंग अ हाई सो दैट आई कैन नो दैट ठीक है हमारे पास एक्चुअली इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो सी एस आई नेट करना चाहते हैं दैट वुड रियली मोटिवेट मी तो स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको ये क्वेश्चन दो तरह से करने होंगे स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग आयुषी पहला आपको क्वेश्चन का नेचर नोट करना है कि क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा है बहुत इंटेंस है बेसिक है क्या लेवल है क्वेश्चन का और क्या ये जर्नल एस्पेक्ट से रिलेटेड था और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं तो अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि फ्रूट बैट्स आर नोन टू हार्बर एंड स्प्रेड सेवरल वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट रिपोर्टेड टू बी स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स ठीक है तो क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं कि हम ये इज एंड इज नॉट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं एग्जाम हॉल में होता है बहुत एनजाइटी होती है इज और इज नॉट दोनों मिक्स कर देते हैं और शायद यही एक क्वेश्चन है यही एक पॉइंट है जहां पर हम गलत आंसर देते हैं आंसर वुड बी एच आई वी एच आई वी कभी भी आपका फ्रूट बैट से स्प्रेड नहीं होता है आपका नीपा सारोला ये सब जो है

मदर का ब्लड ग्रुप दिया है ए बी दिया है और आर एच पॉजिटिव दिया है फादर का ब्लड ग्रुप दिया है स्टूडेंट्स जो है ग्रुप ओ एंड आर एच पॉजिटिव दैट गेट्स विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल द बेबी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ दी सेड कपल ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा चार्ट बनाऊंगी पहले देखते हैं कि मदर के पास कितने एलील्स हैं मदर के पास दो एलील हैं ए एंड बी फादर के पास कितना है फादर के पास सिर्फ एक ही अलील है राइट तो हम इसका चेकबोर्ड बना लेते हैं इस तरह से ठीक है क्योंकि मदर के पास दो अलग अलील हैं, तो दोनों के चांसेस अलग अलग हो जाएंगे कंबाइन कम, करने के लिए और फादर के पास सिर्फ ओ है ठीक है तो मैंने बोला कि चाइल्ड जो है या तो वो ए ओ होगा या बी ओ होगा ठीक है अब हमेशा याद रखेंगे कि के इस केस में जैसे कि मल्टीपल एलील्स का यहाँ पर ये यह जो केस है कि के एक ही जीन को बहुत सारी एलील्स गवर्न कर रहे हैं यानी ब्लड ग्रुप को बहुत सारी एलील्स गवर्न कर रही हैं ए बी एंड ओ तो उस केस में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स हमेशा कि ए एंड बी आर को डोमिनेंट एंड दे आर डोमिनेंट ओवर ओ ये आपको हमेशा याद रखना है ए और बी को डोमिनेंट है और वो ओ के ऊपर डोमिनेंट है इस वर्ड से क्या पता चलता है यानी अगर किसी भी इंस्टेंस पे किसी भी इंडिविजुअल में दोनों जीन प्रेजेंट हैं तो दोनों एक्सप्रेस होंगी और इसीलिए एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है क्योंकि दोनों ही जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं, दोनों एलील्स खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है थीके? अब मैंने बोला कि ए पे डोमिनेंट होगा और बी भी पे डोमिनेंट होगा यानी यहां पर ब्लड ग्रुप ए होगा यहां पर ब्लड ग्रुप बी होगा और क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स पॉजिटिव हैं तो यह बात भी आपको याद रखनी है ठीक है यह बात हमेशा रखनी है अगर दोनों आर एच पॉजिटिव हैं तो आर एच पॉजिटिव ही होगा बेबी भी पर अगर एक इंडिविजुअल आर एच पॉजिटिव है और दूसरा rh नेगेटिव है तो हमेशा याद रखना है rh पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर rh नेगेटिव तो जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो हमेशा rh पॉजिटिव ही होगा तो यहां पर इसका मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए एंड rh पॉजिटिव या बी हो सकता है एंड rh पॉजिटिव ठीक है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जल्दी से मुझे बताएंगे जो मैच कर रहा है इस आंसर से तो इफ आई एम नॉट रॉंग हमारा डी आंसर यहां पर मैच कर रहा है है बी ब्लड ग्रुप विद आर एच पॉजिटिव राइट आयुषी राइट एवरी प्लीज सो दैट्स द राइट आंसर ओवर हियर स्टूडेंट्स क्लियर एवरीवन आई गेस किसी को कोई डाउट कोई इश्यू नहीं होगा यहां पर ऑल एग्री के हाँ भाई ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट उस पर चलते हैं नेक्स्ट of विच वन ऑफ द फॉलोइंग be मार्कर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग and एंड अट्रोजाइग ठीक है अब इस बारे में मैंने हमेशा आप सबको बताया है कि इस पूरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं दो वर्ड में पहला डोमिनेंट मार्कर्स एंड दूसरा डोमिनेंट मार्कर ठीक है पहले इनको समझते हैं तो यहां पर पूछा गया है मार्कर मार्कर मतलब स्टूडेंट कोई भी एक ऐसी जीन जो किसी पर्टिकुलर जीन या एक्सप्रेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रही है हम उसे मार्कर बोल रहे हैं जैसे कि सपोज करिए अगर मैं बोलूं कि जितने लोग यूपी से हैं उनके जीन उनके क्रोमोजोम एक्स पे जो जीन है उसमें एक जीन एल जरूर होगा तो वो जीन एल क्या हो गया मार्कर जीन हो गया कि भाई जितने लोग यूपी से हैं सबके पास एल जीन तो होगा ही होगा अगर कोई महाराष्ट्र है तो उसके पास जीन एम होगा तो ये कैसे हो गए ये आपके मार्कर जीन्स हो गए तो अब अगर सपोज करिए आपने मुझे पूल दे दिया लोगों का दस लोगों का और मुझे पता लगाना है कि एग्जैक्टली इसमें से कितने लोग यूपी से होंगे तो मैं जीन एल डालूंगी स्क्रीन करूंगी जितने लोगों के पास पॉजिटिव आया वो सब क्या होंगे मेरे स्क्रीन है पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं कि भाई ये लोग मेरे यूपी से हैं, यही सेम रोल होता है स्टूडेंट्स मार्कर का ये मार्कर दो तरह के होते हैं डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट, डोमिनेंट से पता चल रहा है जैसे कि हमें पता है एक जीन की दो एलील होती है राइट सपोज करिए जीन टी है तो इसकी दो एलील्स होंगी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी राइट डोमिनेंट मार्कर हमेशा डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंस या एब्सेंस पे वर्क करेगा डोमिनेंट एलील है या डोमिनेंट एलील नहीं है मतलब कि अगर आपके पास कंडीशन होगी ऐसी तो वो दिखाई देगा राइट या अगर आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए दोनों जीन्स डोमिनेंट अगर होंगे तो ये दिखाएगा और एक्सप्रेस करेगा वेरास और एक ही बैंड दिखेगा क्योंकि भाई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है बट अगर कंडीशन हो जाए आपकी ऐसी यानी कि हेट्रोसाइगस कंडीशन तो डोमिनेंट मार्कर वर्क नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट जीन को ही रिप्रेजेंट करेगा रेसेसिव जीन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है तो उस केस में हमेशा याद रखना बच्चों को डोमिनेंट मार्कर वर्क करेगा कोडोमिनेंट मार्कर का मतलब जो डोमिनेंट और रेसेसिव एलील दोनों के बारे में बताए दोनों की प्रेजेंस या एबेंस के बारे में बताए ये कैसी कंडीशन थी हमारी होमोजाइगस ये कैसी कंडीशन है हमारी राइट एवरी वन तो यानी कि को डोमिनेट मार्कर्स ही आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन के बारे में बताएंगे अब अगर मैं बात करू डि आर ए कि डी हो गया ए एफ एल पी हो गया ये सब आपके क्या होते हैं डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं और ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूं तो आपको हमेशा याद रखना होगा को डोमिनेंट मार्कर्स में आते हैं जैसे कि आर माइक्रोसेटेलाइट राइट right? ये सब आते हैं को मार्कर्स में तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा मार्कर मुझे होमो और हेट्रोजाइगस दोनों के बारे में बताएगा तो कौन मुझे बताएगा जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इस चीज का वेरी क्विकली अब तो मैंने आंसर इनडायरेक्टली बता भी दिया है यहां पर कौन मुझे बताएगा क्लियरली कि क्या आंसर हो सकता है इस चीज का विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मार्कर कैन रियली हेल्प मी डिस्टिंग बिटवीन होमोजाइग एंड हेट्रोजाइग तो मैंने बोला सिर्फ को डोमिनेंट मार्कर ये काम कर सकता है राइट आयुषी राइट एयरटेल तो इसका मतलब आर एफ एल पी मेरा को डोमिनेंट मार्कर यहाँ है और सिर्फ यही एक ऐसा मार्कर है जो होमोजाइगट और हेट्रोजाइगट दोनों कंडीशन को बता सकता है दोनों जीन्स को रिप्रेजेंट कर सकता है बिल्कुल सही आयुषी नेक्स्ट वन ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज प्लांट अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेसिकली यूनिट नाइन से आया है यूनिट नाइन जहां पर एक आपकी है यूनिट है सब यूनिट ऑर्गेनिजम बिल्कुल सही गोल्ड आर एफ एल पी ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेटेड डिजीज राइट तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड कंसर्न तो उसमें अगर आप देखेंगे जितनी फंगल पैरासाइटिक बैक्टीरियल डिजीज जो ह्यूमंस में पाई जाती है उनके एक टेबल हम उसमें पढ़ते हैं एंड उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो उसके हिसाब से उसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट राइट तो उस केस में अगर हम यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स कोई गैस किसी को कुछ पता है फंगल डिजीज ऑफ प्लांट एनी वन एनी गैस ओवर तो अगर आप देखेंगे एप्पल स्कैप जो होता है बेसिकली इट इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट स्टूडेंट्स ये आपकी प्लांट्स में ही पाई जाती है राइट एवरी वन नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग अब इट डिपिक्टेड बिलो इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ दिलेक्टेड टेक्सा बेस्ड ऑन दी अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो आपको एक डायग्राम दिया गया है राइट right? और डायग्राम में उसने कुछ एरिया सर्कल किया है और पूछा है मोनोफाइलेक्टिक पॉलीफाइलेक्टिक और पैराफाइलेक्टिक कौन क्या क्या है यह बात पूछी गई है ओके पंकज ने ऑलरेडी आंसर दे दिया पुराना वाला है जो भी मैंने करा था, फोर्थ वन डिस्कस, आपने उसी का आंसर दिया है मुझे तो अगर आप देखेंगे किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में जो यहां प्रेजेंट होता है राइट उस वो होता है रूट रूट का मतलब होता है एन सिस्टर जहां से पूरी स्टोरी शुरू हुई ठीक है ये डिसेंडेंट्स होते हैं ठीक है सपोज करिए मैंने एक ट्री ड्रॉ करी है ऐसे, ठीक है ये तो ये जो है यहां पर इसको मैंने बोल दिया ए ए जो है मेरा यहां पर इंसिस्टर है ठीक है यहां से दो लोग पैदा हुए बी और सी ठीक और सी से यहाँ पर फिर इसके दो हुए दैट इज डी ठीक है तो यानी कि सी और बी का कॉमन एंसिस्टर कौन हुआ ए हुआ राइट right एवरी और इसके डिसेंडेंट्स कौन कौन हुए आपके डी सी और बी हो गए क्लियर एवरी ठीक तो अब अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे हमने इसी क्लासिफिकेशन को इसी ग्रुपिंग सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया मोनोफाइलेक्टिक पॉलीफाइलेक्टिक और पैराफाइलेक्टिक ठीक है मोनोफाइलेक्टिक क्या होता है जब कोई भी एनसिस्टर ये जो शेडेड एरिया है सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं ठीक है तो कोई भी एनसिस्टर और उसके सारे बच्चे जब इंक्लूड किए जाए तो उसे बोलते हैं मोनोफाइलेक्टिक। अब यहाँ डायग्राम आई गए सबको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा फिर भी मैं मैग्निफिकेशन यहाँ पर लेंस यूज कर लेती हूँ ताकि कोई डाउट का पॉइंट नहीं रहे ये आपका डायग्राम है ठीक है और मैं इस पॉइंट से कंसिडर कर रही हूं मैंने नीचे वाले पॉइंट से नहीं करा है। इस पॉइंट से तो इन सभी के लिए सी और एफ किसके बच्चे हैं बी के बच्चे हैं है, ये इसके डिसेंडेंट्स हैं इनके अपने कौन से बच्चे हो गए जी एच और डी ई तो इन सब का कॉमन एंसिस्टर कौन हो गया बी तो जब कोई एक कॉमन एंसिस्टर और उसके सारे बच्चे इंक्लूड किए जाए तो हम उसे बोलते हैं मोनोफाइलेक्टिक ठीक है Clear everyone. Good evening, Anupam. इतनी बात सबको समझ में आई अगर मैंने यहां से इंक्लूड किया होता तो फिर सीन चेंज हो जाता अभी मैं वो भी पूछूंगी कैसे होता ठीक है नेक्स्ट आ जाइए पोलीफाइलेक्टिक पॉलीफाइलेक्टिक का मतलब होता है दो बच्चे जिनके एनसिस्टर अलग अलग हैं. अब देखो ई e का एनसिस्टर सी है और जी का एनसिस्टर एफ है हमेशा जो शेडेड रीजन है उस पर ध्यान देना है मेन इंफॉर्मेशन हमारी वही है कि किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है तो यहां पर सी जो है उसका बच्चा ई e है एफ का बच्चा जी है और दोनों ही पेरेंट्स अलग अलग हैं तो वो इंडिविजुअल्स जिनके पेरेंट्स अलग अलग हैं और उन्हें ग्रुप किया गया हो तो हम बोलते हैं पॉलीफाइलेक्टिक राइट एवरीवन बिल्कुल सही निरंजन फिर हम बात करेंगे पेराफाइलेक्टिक पैराफाइलेक्टिक में क्या होता है कि आपका कोई भी एक एनसिस्टर और उसके सिर्फ कुछ बच्चे ये देख रहे हैं एक और उसके सारे बच्चे नहीं बट उसके कुछ बच्चे ठीक है तो उसे हम बोलते हैं पैराफाइलेक्टिक भाई इसका बच्चा आई है तो इसका बच्चा बी भी, भी तो है और बी के और अपने बच्चे हैं तो एक कॉमन एनसिस्टर और उसके सिर्फ कुछ बच्चों को जब ग्रुप किया जाता है तो वो हो जाता है पैराफाइलेक्टिक एक एनसिस्टर और उसके सारे बच्चों को जब लिया जाता है तो वो हो जाता है मोनोफाइलेक्टिक जैसे कि अब आप लोगों को बोर्ड पे ध्यान देना और मुझे बताना है कि ये क्या होगा मैं रेड से एक एरिया बना रही हूं ठीक है ये एरिया बताओ क्या बनेगा अगर सिर्फ इतना एरिया कंसिडर करना है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा मोनोफाइलेक्टिक पॉलीफाइलेक्टिक या पेराफाइलिक सोचकर बताइए ट्राई करिए देखिए मेन इंटेंट पी वाई क्यू का ये नहीं है कि मैं सिर्फ आऊंगी और आपको आंसर बताऊंगी हमें समझना है और ऐसे समझना है कि जब हम आगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए राइट right? तो जल्दी से मुझे बताएंगे ये क्या होगा रेड रीजन मेरा क्या कहलाएगा आई एम वेटिंग फॉर द आंसर वेरी गुड आयुषी वेरी गुड आदियागर बिल्कुल सही कहा पैराफाइलेक्टिक क्योंकि एक एनसिस्टर और उसके सिर्फ कुछ बच्चे तो ये हो गया पैराफाइलेक्टिक सारे बच्चे हैं जो पर्पल में हैं तो मोनोफाइलेक्टिक राइट अगर मैं इसको अभी क्लीन कर देते हैं और अगर मैंने इसको बनाया ऐसे तो क्या हो जाएगा ये जल्दी से मुझे बताएंगे और अगर मैंने बनाया ऐसे तो ये क्या हो जाएगा आयुषी अध्या निरंजन अनुपम पंकज तो ये क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा पॉलीफाइलेक्टिक पॉलीफाइलेक्टिक कैसे दो बच्चे जिनके पेरेंट्स अलग अलग हैं तो ये हो गया पॉलीफाइलेक्टिक बात क्लियर हुई सब बच्चों को तो अब फिर मुझे ये सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ये ग्रुप क्या है और ये ग्रुप क्या है <coughs> ये आपका ग्रुप एक्स है ये आपका ग्रुप वाई है ठीक है ग्रुप वाई में हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कॉमन के सारे बच्चे नहीं इंक्लूड किए गए एक छोड़ दिया गया है तो ऐसी कंडीशन कहां पर होती है कि सारे बच्चे इंक्लूड नहीं हुए और कुछ बच्चे छोड़ देते हैं हम वो से बोलते हैं कि वो पैराफाइलेक्टिक कंडीशन है तो ग्रुप वाई जो है वो हमारा है। अब देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप वाई इज आयुषी डी ऑप्शन होगा और एक्स जो है हमारा वो मोनोफाइलेक्टिक है मोनोफाइलेक्टिक क्यों है एस क्योंकि कॉमन पेरेंट और उसके सारे बच्चे यहां पर कॉमन पेरेंट सिर्फ उसके कुछ बच्चे हैं ये वाला बच्चा छोड़ दिया गया तो पैराफा मोनोफाइलेक्टिक तो डी पर हमारा राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आद्या बिल्कुल सही आयुषी और स्टूडेंट्स जो लोग बच्चे वाकई में सीरियसली प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे हैं कर रहे हैं उनको जस्ट टू रिमाइंड के ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दे आर पी डी एफ पी वाई क्यूज एंड ऑनलाइन क्लासेस तो प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा एंड उसे जरूर अटेंड करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है तो हमेशा याद रखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीडियन से इधर की तरफ वैल्यूज कम होती हैं और मीडियन से इधर की तरफ वैल्यूज ज्यादा होती हैं तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है मीन वैल्यू पे ठीक है मीन से इधर अगर आप देखेंगे वैल्यूज कम होगी मीन से उधर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज ज्यादा होगी बट इट इज सिमेट्रिक एट द मीन ठीक है तो आप फिर मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा गया है इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीडियन इट इज सिमेट्रिक अराउंड द अराउंडियंस इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मोड नॉट करेक्ट पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन होगा सोचकर बताइए जल्दी से मीन मोड मीडियन राइट तो सबके लिए सिमेट्रिक होगा बिल्कुल सही आयुषी वेरियंस के लिए कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा राइट इट इज सिमेट्रिकल अदरवाइज बट मीन के लिए होगा मीडियम के लिए मोड के लिए बट वेरियंस के लिए सिमेट्रिकल नहीं होगा राइट एवरी वन चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन स्पीशियशन पे हर बार क्वेश्चन आता है हर पेपर में क्वेश्चन आता है चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए पर क्वेश्चन जरूर आता है राइट सो दिस इज़ वन ऑफ़ द टॉपिक स्टूडेंट्स वेयर यू कैन एक्सपेक्ट हाँ भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा राइट जस्ट गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स ग्रेट तो उस केस में हम लोग पहले देखते हैं कि स्पीशिएशन होता क्या क्या है अगर आप देखेंगे बेसिकली स्पीशन मतलब जब जो गिवन स्पीशीज होती हैं वो एक पॉपुलेशन से deviate होके अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग टाइप बना लेती हैं होती वो एक ही पॉपुलेशन का हिस्सा है बट ऑन गोइंग सम बैरियर या कुछ भी वो अलग हो जाती हैं तो उस केस में अगर आप देखेंगे एलोपैट्रिक पेरीपैट्रिक पैट्रिक और ये आपके चार तरह की होती है जैसे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन ये थी यानी सब लोग एक जगह थे उसके बाद जोग्राफिकल बैरियर की वजह से ये दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो गया यहां पर रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से कुछ लोग निकल कर चले गए इसलिए आपका नया बन गया राइट यहाँ पर अगर आप देखेंगे जेनेटिक मॉर्फिज्म की वजह से कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से अंदर ही अंदर एक न्यू पॉपुलेशन बढ़ हुई और वो इससे अब अलग ग्रो कर रही है क्लियर एवरी वन तो एलोपैट्रिक में क्या होता है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से दो अलग पॉपुलेशन बन गए पेरी पैट्रिक ये है कि कुछ लोग खुद से ही छोड़ के चले गए बहुत थोड़े लोग छोड़कर गए हैं और उन्होंने एक अलग पॉपुलेशन बना ली के भाई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कि वो पॉपुलेशन में तो रह रहे थे बट बाकी लोगों के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और हमें पता है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता नेचर उसे कभी भी सेलेक्ट नहीं करेगा तो यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की, की वजह से वो अलग हो गए और कुछ ने अंदर ही रहकर एक इंडिविजुअल ग्रुप बना लिया बात समझ में आई सब बच्चों को तो आप देखते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है उसने पूछा है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो मैं बोर्ड से थोड़ा इधर हो रही हूं ताकि आप लोग स्टेटमेंट पढ़ पाए और मुझे जल्दी से बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है जल्दी से बताएंगे देखो इसने बोला जैसे पैरा पैट्रिक स्पीशिएशन में अकर बिटवीन जोग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन गलत वो किस में होता है एलोपैट्रिक में होता है एलोपैट्रिक में लिखा है कि अकर बिटवीन एडजेसेंट पॉपुलेशन गलत वो भी नहीं होता है One uh, uh, जो कि बिल्कुल सही है तो सी ऑप्शन यहां पर स्टूडेंट बिल्कुल सही होगा नहीं आयुषी ए सही नहीं होगा एलोपैट्रिक स्पेशिएशन अकर्स एडजेसेंट एडजुलेशन देखो मैं डायग्राम दिखाती हूँ अब ये आपकी एलोपैट्रिक पॉपुलेशन है उसने बोला है इट अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन नहीं इट अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट इज आइसोलेटेड बात समझ में आ रही है एडजस्टेंट पॉपुलेशन तो ये होता कि यहीं पर है एक पॉपुलेशन यहाँ है और दूसरी पॉपुलेशन यहाँ है तो तो मैं बोल सकती कि ये एडजस्टेंट पॉपुलेशन है राइट right? बट ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन है एक इस हिस्से पे एक इस हिस्से पे बिल्कुल सही आदिया अगर तो उस केस में हमारा आंसर होगा सी आकर्स विद इन वन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन देखो अगर आप देखोगे भी आकर्स विद इन पॉपुलेशन सिमेट्रिक स्पेशिएशन uh, जो होता है अकर्स से भी कुछ लोग छोड़ के चले गए यहां से भी चले गए यहाँ रीजन ही अलग हो गया माउंटेन ही टूट गया तो आधे हिस्से पे आधे लोग आधे हिस्से पे आधे लोग यहां उसी रीजन के अंदर रहते हुए डिविजन हो गया तो ये बेसिकली स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाता है तो आई गेस मैंने सही मार्क कर दिया था नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टू माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंज यानी कि माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंज को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है ये बात पूछी गई है ठीक है माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंज जैसे कि म्यूटेशन हो गया रैंडम मेटिंग हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया नेचुरल सिलेक्शन हो गया आप कौन सा चेंज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा कौन सा पैरामीटर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा चेंज का मतलब होता है स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे कि जेनेटिक मेकअप जो है जो जीन पूल है वो चेंज हो जाए इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूं जब भी कोई बोले कि इवोल्यूशनरी चेंज है Evolution, मतलब जेनेटिक ह्यूमन बन गए हो गए कहीं ना कहीं डीएनए में तो चेंजेस में चेंज आ जाए जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाए जीन पूल में चेंज आ जाए यानी कि वो इवोल्यूशनरी का हिस्सा है वरना नहीं है बात समझ में आ रही है सब बच्चों को अब यहां पर देखो उसने बोला म्यूटेशन करने से ऐसा होगा रैंडम मेटिंग से होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट से होगा और नेचुरल सिलेक्शन से होगा तो हम सबको पता है कि सारे रीजन हो सकते हैं पर रैंडम मेटिंग से इवोल्यूशनरी चेंज में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है राइट right? बिल्कुल सही आयुषी सो बी जो है हमारा यहां पर राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट हेमिल्टन रूल से हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं तो इसने बोला अकॉर्डिंग टू रूल बिहेवियर कैन रिलेटेडनेस बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट हेमिल्टन रूल सबको पता है बहुत बार हमने डिस्कस करा है कि जो सपोज करिए मैंने किसी के लिए कोई काम करा हेमल्टन रूल होता क्या मैं हूं और आप हैं तो मैंने अपनी एक टॉफी आपको दे दी तो मुझे जो कॉस्ट पढ़ा उसे बोला सी और आपने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया तो आपको खाना मिल गया उसका बेनिफिट हुआ बी और आपके और मेरे बीच में जो रिलेशन है ठीक है तो उसने बोला जब उस रिलेशन फैक्टर को बेनिफिट से मल्टीप्लाई करो तो वो ज्यादा बैठे उसका वेटेज ज्यादा हो इिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने क्या खोया है वो होता है हेमिल्टन रूल ठीक है तो अगर आप देखेंगे उसने डेफिनेशन दी बी क्या है एल्ट्रोइिक एक्ट क्या है सी क्या है जो जस्ट मैंने आपको जो लिमन लैंग्वेज में अभी समझाया अब उसने यहां पर पूछा है कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी राइट right? तो उसने बोला रिलेशन कैसे निकलेगा आर यहां पर क्या है किन दोनों के बीच में आर कैलकुलेट किया गया है तो मेरे ख्याल से मुझे ऑलरेडी आंसर मिल गया है आयुषी बोल रही हैं बी आद्या आद्यागर्भ बोल रहे हैं बी ओके इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द रेसिपेंट स्टूडेंट्स दिस इज द राइट आंसर तो जिसने Uh, अपनी चीज दे दी उसको जो कॉस्ट हुआ और जिसने लिया उन दोनों के बीच की रिलेटेड डिग्री यहाँ पर निकाली गई है बिल्कुल सही नेक्स्ट बात करते हैं फिर उसने बोला एनालाइज एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोमल आरएनए राइट दैट इज योर आरआरएनए आर आर पर्टिकुलरली ए तो को हमेशा याद रखे रिवोल्यूशनरी स्टडीज में यूज किया जाता है अब ऐसा करने का क्या बेनिफिट हो सकता है ये बात पूछी गई है एक्सेप्ट यानी सारे बेनिफिट हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकता तो आर आर एन एज रिवोल्यूशनरी एंशियंट नो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हम बोल सकते भाई सारे रीजन हो सकते हैं बट ये एक रीजन नहीं हो सकता कि आर को सेलेक्ट किया जाता है ओके अगेन okay. तो मुझे आंसर कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं आयुषी अध्य निरंजन निरंजन आपके आंसर्स लेट क्यों आ रहे हैं क्या आप मुझे लेट सुन पा रहे हैं नहीं म्यूटेशन नहीं होगा निरंजन म्यूटेशन से जेनेटिक चेंज चेंज आता है हो जाती हैं जीन पूल चेंज हो जाता है आप सपोज करो दो लोग हैं निरंजन ए ए मेरा जेनेटिक कंटेंट है और बी बी आपका है और आपके जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए और आप बी सी बन जाए मैं ए ए हूं तो जीन चेंज हो गए ना पहले दो ए और दो बी थे अब दो ए है एक बी है और एक सी है तो जेनेटिक कंटेंट चेंज हो गया क्लियर एवरी वन तो यहां पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा आर आर एन ए कभी भी क्रिटिकल नहीं होता ट्रांजिशन के लिए ना वो लेटरल ट्रांसफर में जाता है वो एज इट इज रहता है एंड कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम तो इसीलिए हम उसे एक एवोल्यूशनरी सिग्नल की तरह कंसिडर करते हैं एक मार्कर की तरह कंसिडर करते हैं नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ जीन पिरामिडिंग इन प्लांट्स जीन पिरामिडिंग होती क्या है जीन पिरामिडिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने बहुत सारे डिफरेंट जीन्स को एक ही जीनोम में डाल दिया सपोज करिए मुझे एक प्लांट चाहिए मुझे उस प्लांट में उसकी हाइट भी लंबी चाहिए मुझे उसमें ब्लैक फ्लावर्स भी चाहिए मुझे चाहिए उसकी लीव्स भी थोड़ी अलग सी रहे तो मैंने हर चीज के लिए एक जीन कलेक्ट करी और उसे एक ही प्लांट के अंदर डाल दिया तो उसे बोला जीन पिरामिडिंग एक एक जीन एक ही पिरामिड में एक ही जीनोम के अंदर ताकि डिजायर्ड कैरेक्टर ट्रेट्स मुझे मिल जाए तो उस डेफिनेशन के हिसाब से मुझे ये बताइए कौन सी डेफिनेशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी सोचकर बताइए ट्राई करिए अगर आप इसको आंसर कर पा रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंट टू अ स्पेसिफिक पेस्ट इन डिफरेंट जीनो टाइप्स इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल जीन फॉर रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पेस्ट इन डिफरेंट जीनो टाइप्स इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू अ सिंगल पेस्ट इन सिंगल जीनो टाइप एंड इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल जीन फॉर रेजिस्टेंस टू मल्टीपल पेस्ट इन जीनो टाइप डेफिनेशन बहुत सिंपल है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स को इधर उधर किया गया मैंने क्या बोला जीन पिरामिडिंग क्या है कि बहुत सारी अलग अलग जीन्स को एक ही जीनो में डाला गया एक ही जीनो में डाला गया बिल्कुल सही अध्ययन कर तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है सी यानी डिफरेंट जीन्स को एक ही जीनो में डाला गया अब वो पेस्ट के लिए है फ्लारिंग के लिए कुछ भी हो सकता है राइट जो बच्चा कंफ्यूज है वो बोलेगा अच्छा जीन्स तो रेजिस्टेंस के लिए ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और पेस्ट के अगेंस्ट कौन सी जीन्स होती हैं वो वहां घूम जाएगा हमें उस पे नहीं जाना है हमें देखना है कि अच्छा भाई जीन पेरामिडिंग बोला गया है तो किस कंसेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है क्या ये डेफिनेशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे फिर है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल मेकअप किया गया उन्होंने बोला कि सीए एम पी सेल सिग्नलिंग जिसने पढ़ी होगी उस बच्चे को पता है कि जब जीपीसीआर एक्टिवेट होता है तो सी एम पी बनता है राइट right. और वो सी एम पी प्रोटीन ए यानी पी के ए को एक्टिव कर देता है ठीक है अब यहां पर यही देखने के लिए कि CAMP का कोई इफेक्ट होता है प्रोटीन काइनेज ए पे या नहीं उसे एक फ्लोरसेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया गया वाइल्ड टेक्निक ठीक है तो जब सी एम पी नहीं था कोई मिशन कुछ नहीं देखा गया हालांकि जब सी एम पी बना और पी के ए पे ऐड किया गया तो हमने एक स्ट्रॉन्ग एमिशन देखा 530 थर्टी नैनोमीटर पे तो उसने बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बेस्ट अरेंजमेंट क्या रहा होगा कौन से क्लोरोफ्लोरो या कौन से फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स यूज हुए होंगे ऑप्शंस क्या क्या है जीएफपी है हमारे पास ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन रेड फ्लोरोसेंस प्रोटीन येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन राइट एंड वन मोर इज देयर राइट सी फ्लोरसन प्रोटीन क्लियर एवरीवन ये हमारे पास कुछ ऑप्शन यहां पर दे दिए गए और ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स लगे कहां कहा थे एन और सी टर्मिनल पे हमारे लगे हुए तो इससे पहले आप लोग आंसर पे जाएं इसको यहाँ डायग्राम पे देखिए किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कितने वेवलेंथ पे कोई रीडिंग आ सकती है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग ओके आयुषी सेज ऑलरेडी बी इज द आंसर ओवर हेयर अस वेट फॉर ऑल दी अदर स्टूडेंट्स जल्दी सब लोग बताना शुरू करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आंसर हो सकता है बिल्कुल सही हमारा आंसर होगा सैन फ्लोरोसेंट प्रोटीन एंड योर येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन राइट तो वो हमें 530 थर्टी नैनोमीटर पे और वर्ड यहां पर यूज किया गया है इन रिस्पेक्टिवली कोई वर्ड नहीं यूज किया गया है तो उसने बोला क्या बेस्ट कॉन्फिग्रेशन रहा होगा फ्लोरोफ्लोर्स का तो बेसिकली सी और आपका वाई जो है स्टूडेंट्स वो यूज किया गया है ठीक है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने कहा दोबारा एक रिमाइंडर कल हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है स्टूडेंट्स बिल्कुल मिस मत करिएगा ए एम पे और अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 90% ऑफ मिलेगा राइट एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन इन बायो रेमेडिएशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिटेल्ड बिलो चूज द इन करेक्ट ऑप्शन अब इसने पूछा है बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि जब आपके प्लांट्स हैं उनमें केमिकल्स या कोई टॉक्सिक कंपाउंड या एलिमेंट मिलता है उन्हें सॉइल में तो वो प्लांट्स उसको वहां से रिमूव करते हैं या तो वो उसको खुद में एक्यूमुलेट कर देंगे या याट करके एयर में रिलीज कर देंगे या उनके पास अपने ऐसे माइक्रोब्स हैं या सॉइल में ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ को एनहेंस करेंगे कि वो मेटल या कंटामिनेंट डिग्रेड हो जाए इसे हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन अब बायो रेमेडिएशन के लिए उसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है राइट ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कार्बन

ट्राइमर है क्या फॉर्म हो सकती है तो आपने एक प्रोटीन को जेल पे रन करा और आपको दो बैंड मिल गए यहां और यहां एक ट्वेंटी आपको KD का मिला ठीक है एक आपको 40 का मिला यह बात बोली। क्योंकि भाई दो अलग अलग वेट के दो अलग अलग बैंड्स मिल गए बट इसी प्रोटीन को जब आपने नेटिव जेल पे रन करा तो आपको एक ही बैंड मिला है और वो भी 120 ट्वेंटी के डी ए का मिला है एक ही बैंड है मतलब सारे प्रोटीन एक ही वेट के हैं इसलिए एक ही बैंड है ठीक है आप करके देखिए कि, किस किस कैलकुलेशन पे आपको चार बैंड मिल सकते हैं ट्राई करके देखिए किस उस पर मिल सकते हैं वेरी क्विकली किस पर्टिकुलर पोजिशन पे मिल सकते हैं बी आई गेस दी आंसर कैन बी हेट्रोटेट्रामर तो बेसिकली यहां पर हेट्रोटेट्रामर कंडीशन हो सकती है कैसे हो सकती है आपके पास हो सकते हैं बीस और बीस के दो क्योंकि देखो आपको दो बैंड मिल रहे हैं होमो मैंने क्यों नहीं कहा ऑलरेडी आपको दो बैंड्स मिल रहे हैं मतलब कि इसके अंदर एक एक तरह का है प्रोटीन एक दूसरी तरह का ये बात तो यहीं से कंफर्म हो जाती है अगर एक ही बैंड मिलता तो मैं बोलती कि भाई तीन बैंड फोर्टी के हैं राइट या मैं बोल सकती थी कि बैंड मेरे ट्वेंटी के हैं बट मुझे ऑलरेडी दो बैंड दो अलग वेट के मिल यानी कि दो अलग प्रोटीन तो इन्वॉल्व है ठीक है तो मैंने बोला कि कंडीशन हो सकती है कुछ ऐसी के के और दो 4040 के. तो बेसिकली ये एक होमोटेट्रामर हो सकता है यानी कि फोर्टी प्लस एटी मतलब वन ट्वेंटी तो ये मेरा आंसर हो सकता है हेट्रोटेट्रामर बिल्कुल सही ठीक है अब बात करेंगे पार्ट सी क्वेश्चन की

तो आपका एक मेमेलियन सेल लिया उसमें साइटोप्लास्मिक आर वायरस डाला ठीक है फिर आपने अलग अलग टाइम इंटरवल पे वायरल आर का अमाउंट देखा कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है और आपने ये किया बाय मेजरिंग वायरल आर टाइटर मतलब एक कितने एम में एक एम में कितने वायरस के पार्टिकल है उसे हम बोलते हैं टाइटर वैल्यू ठीक है और आपने देखा कि वो हर 12 घंटे में कम हो रही थी तो ऐसा क्यों हो रहा होगा ये उसने यहाँ पर रीजन दिए हैं और आपको बताना है वो ऑप्शन जिसमें सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं तो जल्दी से मुझे सोचकर बताएंगे कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई द वायरस इंफेक्शन ट्रिगर्ड रेगुलेशन ऑफ एम आई आर एन ए दैट माइट है हॉस्ट फैक्टर क्रिटिकल फॉर वायरल रेप्लीकेशन क्योंकि हमें रीजन बताना है कि भाई वायरल आर एन ए डाला तो था मेमेलियन सेल में बट उसका एक्सप्रेशन आकरेंस कम क्यों हो रही है तो हो सकता है कि ये जो वायरल आर एन ए डाला गया है इसने कोई एम आई आर एन ए था उसको आप रेगुलेट कर दिया तो इंटरफेरेंस आर एन ए मतलब आर एन ए से आर एन ए बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देता है एक्सप्रेशन को तो हाँ ये एक रीजन हो सकता है फिर उसने बोला था वायरस माइट इनकोड माइड इनको दैट रेगुलेट और इनहिबिट्स इट ओन रेप्लिकेशन ये भी पॉसिबल है न ऑफ दी वायरल प्रोटीन इनहेबिट रेप्लीकेशन ऑफ दायरल रिस्ट्रिक्ट रैपिड प्रोलिफ्रेशन यानी कि उसे लाइसोजेनिक फेज में आ, ना लाते हुए अदरवाइज उसे वहां पर की तरह रखना, और दूसरा लास्ट ऑप्शन है वायरल आर एन ए गोज टू न्यूक्लियस विद टाइम दस नॉट डिटेक्टेबल इन साइटोप्लाजम यह ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है अगर गया है तो उसका एक्सप्रेशन होगा ही होगा सो इन दैट केस ए बी एन सी

ठीक है और दोनों अलग अलग जब डाले गए तो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं बट अगर आपने पहले वायरस ए डाला है स्टूडेंट्स तो वायरस भी इन्फेक्ट नहीं कर पाता है बट अगर आपने पहले वायरस भी डाल दिया और फिर वायरस ए डाला तो दोनों इन्फेक्ट करेंगे ठीक है तो उसने बोला कि इसका रीजन क्या हो सकता है और उसने बोला कि ये मानते हुए बताओ कि एक्स और वाई वो रिसेप्टर्स हैं जो इसके अंदर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए कि वायरस ए यूजेस एक्स एज रिसेप्टर एंड वायरस वाई एज को रिसेप्टर वायरस बी यूज एक्सक्लूसिवली वाई एज रिसेप्टर फॉर दी एंड बोथ वायरस वायरस ए एंड बी नीड एक्स एज एन रिसेप्टर ठीक है अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है बस आपको यह समझना है ये सेल है ये है एक्स रिसेप्टर और ये है वाई रिसेप्टर ठीक है मैं इसको सर्कल कर रही हूं इसने बोला कि अगर मैं पहले ए डालूंगी ठीक है तो जो आ, अगर आपने पहले ए डाला है तो बी नहीं आ सकता है पर अगर आप पहले बी डालोगे तो बाद में ए आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जो रिसेप्टर आपका ए यूज कर रहा है वो बी भी यूज कर रहा है जो बी यूज कर रहा है वो ए नहीं कर रहा है पर जो ए कर रहा है वो आपका बी भी कर रहा है ये एक रीजन हो सकता है स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे सोचकर बताएंगे आप लोग जस्ट अ सेकेंड प्लीज ये रीजन हो सकता है या नहीं हो सकता है जल्दी से मुझे बताओ हो सकता है राइट right? फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है भाई तो यानी कि वायरस ए एक्स को एज रिसेप्टर यूज कर रहा है एंड वाई को एज को रिसेप्टर यूज कर रहा है ठीक है तो यानी कि वायरस ए यहां भी लग पा रहा है और यहाँ भी लग पा रहा है ठीक क्योंकि भाई ए तो पहले भी लग रहा है और बाद में भी लग रहा है बी की प्रॉब्लम है बी कभी लग रहा है और कभी नहीं लग रहा है फिर उसके बाद मैंने बोला बी वायरस एक्सक्लूसिवली यूज वाई एज दी रिसेप्टर जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि वायरस ए दोनों ही कंडीशन में इन्फेक्ट कर रहा है जब उसे पहले डाला जाए तब भी करेगा बाद में डाला जाए तब भी करेगा यानी कि वो दोनों रिसेप्टर्स को यूज कर रहा है इसलिए वो दोनों बार इन्फेक्शन कर पा रहा है जो एक ही बार इंफेक्शन कर पा रहा है इसका मतलब एक बार उसे रिसेप्टर मिला और दूसरी बार नहीं मिला तो इसका मतलब वाई सिर्फ एक ही रिसेप्टर यूज कर रहा है दैट इज योर वाई रिसेप्टर तो वायरस बी सिर्फ और सिर्फ आपका बाई रिसेप्टर यूज कर रहा है क्लियर एवरी फिर बात करेंगे यहां पर तो यहां से बोला कि वाइल्ड टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ सेवरल पोर्टेंट एंटी कैंसर कंपाउंड ऑन साइक्लिंग ह्यूमन ओरल कैंसर सेल अ स्टूडेंट ऑब्जर्व मेजर परसेंटेज ऑफ सेल्स शोड डोज डिपेंडेंट सेल डेथ आफ्टर 12 आवर्स ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट ठीक है कैंसर के लिए हो रहा है और जब आपको ट्रीटमेंट दिया गया तो सेल्स मर गए हाउवर द रिमेनिंग सेल्स रीपॉप्यटेड द कल्चर डिश वंस द वर रिमुव एंड द सेल्स वर कल्चर्ड इन कंप्लीट न्यू मीडियम स्टूडेंट मेड फॉलोइंग एजेंस आपको बताना है कौन सा बेस्ट है इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है तो जब तक ड्रग था तब डेथ हो गई जब ड्रग निकाल दिया तो फिर से सेल आपके वर्क करने लगे तो आपसे पूछा गया है कौन सा एजेंशन इसमें बेस्ट फिट होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉट ऑल दी सेल्स वर इक्वली इन्फेक्टेड बाई दी कंपाउंड राइट पहला रीजन और हम बोल सकते हैं द कैंसर स्टेम सेल्स टू द क्रिकेट ऑफ द कंपाउंड एंड देर फोर रिकेड कैंसर राइट तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं यानी कि ए और सी जो इसको जस्टिफाई करते हैं क्लियर स्टूडेंट्स अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहां पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहां बोला गया है फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशनरी ट्री अब इन दब डायग्राम ए बी सी डी रिप्रेजेंट वॉट ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है तो आ, अगर आप देखेंगे ह्यूमन रेवल्यूशन की ट्री हमारी ऐसी होती है और हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है वो आपको कुछ पैरामीटर्स देंगे कुछ नहीं देंगे और पूछेंगे कि अच्छा बताओ कौन कहाँ से मिसिंग है या किस चीज का पर्टिकुलर पार्ट part है ये हमें बताना होता है तो अगर आप इसके बेसिस पे स्टूडेंट यहां पर देखेंगे राइट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वन इज द बेस्ट वन स्टूडेंट्स एक्सप्लेनिंग रेस्पेक्टिवली नहीं बोला गया यानी ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली तो सबसे पहले आपका होमो हिबेलिस, है. फिर उसके बाद इसने बोला होमो एरेक्टिस फिर उसके बाद होमोनिडरिस और फाइनली डेनोसोवियन ये हमारी यहाँ पर क्लासिफिकेशन रही है और इसी चीज को आप यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हैं क्लियर एवरी ठीक है तो हेबेलेस पैसे पहले फिर इरेक्टस, उसके बाद फिर उसके बाद नियंडरथल और डिनोवियन उसके बाद आता है क्लियर एवरीवन तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी स्टूडेंट्स क्लियर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां भी है द प्रोमेंट मैमल स्पीशीज फाउंड इन फोर डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आर लिस्टेड बिलो द एरिया विद द ग्रेटेस्ट फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी इज तो आपको ये देखना है कि ग्रेटेस्ट फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जिनके एनसेस्टर सेम नहीं है सब अलग अलग एनसेस्टर से हैं वो आपको ग्रुप यहां पर निकालना है ठीक है सपोज करो कोई कैट फैमिली से कोई डॉग फैमिली से कोई अलग फैमिली से तो फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ गई क्योंकि फाइलोजेनेटिक वर्ड का मतलब ही ये होता है कि कॉमन इंसिस्टर है या कॉमन इंसिस्टर नहीं है क्लियर एवरी वन तो जल्दी से मुझे देखकर बताएंगे कि किस फैमिली में आपको लगता है कि फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है तो अगर आप देखेंगे कॉमन लैंगूर बार्किंग डियर वाइल्ड डॉग और एलिफेंट सबसे ज्यादा डायवर्सिटी आपको यहां पर मिलेगी है सभी लोग डाइवर्स बट सबसे ज्यादा कहां है ये क्वेश्चन पूछा गया तो बी इज द राइट आंसर ओवर हुए स्टूडेंट्स Clear everyone, so we are done with the set of questions students. Finally, Apki Sunday May a mega career counselling event has students. That is 27th November, sharp twelve PM by respective faculties, a combined effort for our students. So please do attend it. It's very, very important for you all for your guidance only. राइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक मेरा अगले सेशन के लिए रहेगा जीन एडिटिंग एंड टेक्निक पार्ट वन बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल राइट जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज आप सबके लिए मेरे पास कुछ है गिव मी अ सेकेंड प्लीज स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड प्लीज Not able to connect with its students. Just a second, please. प्रिपरेशन uh, कैसी चल रही है आयुषी वेल गुड